नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। एबीवीपी ग्वालियर ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति व प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय खोले जाने की रखी मांग। एबीवीपी तिरपन व प्रांत अधिवेशन के प्रमुख बिंदु व आत्मनिर्भर भारत में विश्वविद्यालयों की भूमिका व रखे विचार। प्रेस वार्ता को प्रांत मंत्री शालिनी वर्मा व देशराज नारोलिया ने किया संबोधित। प्रस्तुत है ग्वालियर से गजेंद्र जैन की एक रिपोर्ट। जी हां, बुधवार को एबीवीपी ग्वालियर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन शहर के निजी होटल में किया गया, जिसमें 53वें अधिवेशन के प्रमुख बिंदु व राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शिक्षकों की पूर्ति व प्रदेश में एक नया खेल विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर अपने विचार प्रांत मंत्री शालिनी वर्मा ने रखे। प्रस्तुत है ग्वालियर से गजेंद्र जैन की एक रिपोर्ट। विद्यार्थी परिषद का 53वां अधिवेशन ये मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शीघ्र ही शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए और प्राध्यापकों और प्राचार्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के पास विश्व बैंक से करोड़ों का पैसा आता है, किंतु उनका धरातल स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अधिवेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को ये भी बताया है कि शीघ्र ही भवनों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार अधिकांशतः महाविद्यालय दो कमरे में संचालित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनेकों महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर छात्राओं को जाने में एक दुर्गम मार्गों का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए शीघ्र ही विश्व बैंक के पैसों को उचित मार्ग पर ले जाकर एक भवन निर्माण किया जाए। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह भी मांग उठाई है कि जिस प्रकार महंगाई बढ़ते के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप कम मिल रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार को अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। साथ ही हमारे ध्यान में आता है कि पूरा मध्य प्रदेश मलखम के क्षेत्र में अव्वल आया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की आवश्यकता नजर आती है, जिससे मध्य प्रदेश के छात्रों को एक मंच प्रदान हो, एक प्रतिभा का निखारने का प्रयास मिले। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक खेल विश्वविद्यालय खोलने की भी मांग मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष रखी। 532 विद्यार्थियों की सहभागिता थी, जिसमें कुछ शिक्षकगण भी उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस प्रांत अधिवेशन में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें शिक्षा से जुड़ा मुद्दा और वर्तमान परिदृश्य और एक आत्मनिर्भर भारत में किस प्रकार विश्वविद्यालय की भूमिका हो, ऐसे 3 प्रमुख प्रस्तावों को पारित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हो, तुरंत शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के भरोसे हमारा पूरा मध्य प्रदेश का महाविद्यालय और एक शैक्षणिक परिवार पूरा अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को बढ़ती महंगाई भत्ते को अलग रख करके बहुत कम छात्रवृत्ति मिल रही है, तो ऐसे विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद का यह अधिवेशन संपन्न हुआ है। साथ ही इसमें कई प्रकार की नवीन घोषणाएं भी हुई है। अब से मध्य भारत और मालवा प्रांत अलग अलग रहेगा। मध्य भारत प्रांत में मैं स्वयं शालिनी वर्मा प्रांत मंत्री के रूप में निर्वाचित हुई हूँ और मनोज आर्य सर अपने प्रांत अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं।